हेलो एवरीवन, अक्टूबर महीने में ओटीटी पे बैक टू बैक रिलीज होंगी कई फिल्में और वेब सीरीज। अक्टूबर के महीने में ओटीटी ने कर ली है फेस्टिवल धमाके की तैयारी। महाराष्ट्र के सिनेमा हॉल अब तक नहीं खुल पाए हैं और ऐसी परिस्थिति को देखते हुए कई स्मॉल बजट फिल्म और बिग बजट फिल्म को ओटीटी पे रिलीज करने का डिसीजन लिया गया है। इसी के साथ कुछ वेब सीरीज को भी ओटीटी पे रिलीज किया जाएगा। चलिए यहाँ पे बताते हैं रिलीज होने वाली तमाम फिल्में और वेब सीरीज के लिस्ट। पहला है डायरेक्टर सुजीत सरकार द्वारा बनाई गई फिल्म सरदार उधम। इसमें विकी कौशल पर्दे पर अहम भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म में क्रांतिकारी सरदार उधम के जीवन से जुड़ी घटना को दिखाया जाएगा। वैसे तो इस फिल्म को सिनेमा हॉल में रिलीज करने की सोच से बनाया गया था, पर हालत देखते हुए इसे ओटीटी पर रिलीज की जाएगी। इसके बाद इमरान हाशमी की हॉरर फिल्म डिबुक को भी अक्टूबर में रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म मलयालम हॉरर फिल्म एज़रा का आधिकारिक रीमेक है। वहीं अगर हॉलीवुड मूवीज की बात करें तो 15 अक्टूबर को टीन हॉरर ड्रामा आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर आ रही है। जस्टिन बीबर पर बनी डॉक्यूमेंट्री जस्टिन बीबर आवर वर्ल्ड और लेजेंडरी फुटबॉलर मैराडोना पर आधारित स्पेशल सीरीज मैराडोना ब्लेस्ड ड्रीम भी रिलीज होने वाली है। देव पटेल स्टारर अंग्रेजी फिल्म ग्रीन लाइट भी अक्टूबर में रिलीज होगी। वहीं Z5 पर तापसी पन्नू की फिल्म रश्मि रॉकेट 15 अक्टूबर को रिलीज होगी। ये एक स्पोर्ट्स फिल्म है और इसके डायरेक्टर आकर्ष खुराना है। फिल्म में अभिषेक बनर्जी और प्रियांशु पेन्यूली अहम भूमिका में है। इसके अलावा डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर सनी कौशल और राधिका मदान स्टारर फिल्म शिद्दत 1 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। वहीं 15 अक्टूबर को लिटिल थिंग्स का चौथा सीजन नेटफ्लिक्स पर होगा रिलीज। इस शो में मिथिला पालकर मुख्य भूमिका में नजर आएंगी और 13 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी रजनीकांत की मूवी शिवाजी। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ, देखते रहें बॉलीवुड स्नाइपर। धन्यवाद।